children. Once again, welcome back to the English literature class. आज हम लोग एक नई कहानी पढ़ने जा रहे हैं और कहानी है किसका भाई? विंड, हवा और सन, सूरज का, दोनों के बीच के नोक झोंक की कहानी है। एक बार की बात है कि हवा और सूरज आमने सामने आ गए और हवा ने चैलेंज किया कि मैं आपसे ज्यादा स्ट्रॉन्गर हूं, ताकतवर हूं। सन ने मुस्कुरा के कहा, चलो ठीक है, देख लेते हैं। तभी एक आदमी पहाड़ पे चलता हुआ नजर आया। विंड ने कहा कि देखिए, मैं तेज हवा बन के चलूंगा और ये कोट उतार देगा। लेकिन ऐसा हुआ नहीं, बल्कि जब सूरज ने अपनी गर्मी दिखाई तो वो आदमी अपना कोट उतार दिया, पसीने पसीने हो गया था। तो आखिर में जीत हो गई सूरज की। तो यही कहानी हम पढ़ने जा रहे हैं, द विंड एंड द सन, चैप्टर 3 ऑफ योर टेक्स्ट बुक। वन डे द विंड एंड द सन मेट ऑन अ हिल। एक दिन विंड, हवा और सूरज हिल पे, पहाड़ी पे उनकी मुलाकात हुई आमने सामने। आफ्टर सम टाइम दे सो अ मैन कमिंग अप द हिल। कुछ देर बाद देखा, आफ्टर सम टाइम, कुछ देर बाद, कि एक आदमी पहाड़ पे ऊपर चढ़ रहा है, कमिंग अप द हिल, ऊपर चढ़ रहा है पहाड़ पे। ही वॉज वेयरिंग अ थिक कोट। वो एक मोटा कोट पहना हुआ था। जाड़े में हम लोग ठंड में पहनते हैं ना कोट, ब्लेजर, स्वेटर, तो वो भी मोटा कोट पहना हुआ था वो आदमी, उसे ठंड लग रही थी। द विंड सेड टू द सन, विंड ने सूरज से कहा, सेड टू द सन, क्या कहा? आई एम स्ट्रॉन्गर देन यू एंड आई कैन मेक द मैन टेक हिज कोट ऑफ। मैं तुमसे ज्यादा शक्तिशाली हूं और मैं चाहूं तो इसने जो कोट पहन रखा है उसे उतरवा दूं। I can make the man take his coat off. The sun smiled. सूरज मुस्कुराता हुआ कहता, try, कोशिश करो, देखो क्या होता है। Then he went behind a cloud. Behind मतलब पीछे, कहते ना, he is sitting behind me. तो वो बादलों के पीछे सूरज छिप गया। He went behind the cloud. The wind began to blow. हवा तेज चलने लगा। He blew and the man felt cold. हवा तेज बहना शुरू हुआ और आदमी को ठंड लगने लगी। He felt cold. He did not take his coat off. लेकिन उसने कोट नहीं उतारा, बल्कि उसको और टाइटली पकड़ लिया ठंड से बचने के लिए, हवा से बचने के लिए। So he held it on tightly. कोट को टाइटली पकड़ के पकड़ा रहा। After some time, the sun came out. कुछ देर बाद सूरज फिर बाहर आया। कहां से? बादलों के पीछे से। He began to shine. और सूरज आसमान में चमकने लगा। Shine मतलब चमकना। He shone so brightly that the man began to feel hot. इतनी गर्मी हो गई कि उस आदमी को हॉट, गर्म लगने लगा। He began to feel hot. He felt hotter and hotter. और गर्मी तेज बढ़ता गया, बढ़ते गए, तभी गर्मी है ना, तो उसे और गर्मी लगने लगी, धूप आ गया था। He thought, उसने सोचा, thought मतलब सोचना, it is very hot day, आज बहुत गर्म दिन लगता है। And he took his coat off, और उसने कोट को उतार दिया। Then the sun said to the wind, तब मुस्कुराते हुए फिर से सूरज ने हवा से कहा, Now tell me, अब बताओ, Who is stronger, you or me? कौन stronger है, तुम या मैं? तो बच्चों, जीत किसकी हुई? सूरज की हुई। और इसीलिए हमने आपको आपके होमवर्क क्लासवर्क में दिया है, राइट 5 lines अबाउट सन, कि सन से हमें क्या बेनिफिट है। बेनिफिट मतलब फायदा, लाइक सन गिव्स एनर्जी, सन गिव्स हीट, इन द प्रेजेंस ऑफ सन प्लांट्स प्रोड्यूस फूड, धूप में पेड़ पौधे खाना बनाते हैं, वी गेट विटामिन डी, सूरज से हमें विटामिन डी मिलता है। तो ऐसे 5 sentences आपको लिखना है सन के फायदे, बेनिफिट्स ऑफ सन। दूसरा, हमने आपको इसमें एक सवाल और भी डिस्कस किया है
राइट 10 लाइंस अबाउट योर सेल्फ, अपने बारे में 10 लाइंस लिखना है, और हमने ब्लैंक दिया है, क्वेश्चन देखेंगे, आई एम डैश ईयर ओल्ड, तो आप लिखेंगे आई एम 6 ईयर्स ओल्ड, 5 ईयर्स ओल्ड, 7 ईयर्स ओल्ड, इतना बड़े हैं, और उसी ढंग से एक एक फील्ड में ब्लैंक्स में सूटेबल वर्ड्स भरना है, पापा मम्मी अंकल आंटी से हेल्प लेना है। और फिर हमने आपको एक चीज में और सिखाया जो पीछे है, यूज ऑफ इज एंड आर। इज कहां लगता है, आर कहां लगता है। तो नॉर्मली हम लोग अगर समझने की भाषा में बात करें तो इज जहां एक आदमी है तो इज लगेगा, सिंगुलर, सिंगुलर मतलब एक, और जहां एक से ज्यादा आदमी है अर्थात प्लूरल तो वहां आर लगेगा। जैसे आपके इसमें बुक में दिया हुआ एक्सरसाइज में, आप उसको एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे बुक में अपना पेंसिल से। फर्स्ट है द सन डैश लाइक अ बिग बॉल, तो सन इज, सन एक होता है ना, एक है सूरज, तो इट इज लाइक अ बिग बॉल। और वही नंबर एट में लिखा हुआ है माई सिस्टर्स डैश गोइंग टू पार्टी। सिस्टर्स, एक से ज्यादा बहन है, सिस्टर्स एस लगा हुआ है, वो प्लूरल है, तो वहां क्या लगेगा, एक से ज्यादा में हमने क्या बताया, आर लगेगा, तो माई सिस्टर्स आर गोइंग टू पार्टी। तो समझ गए ना, इज एक जहां आदमी है इज लगेगा, एक से ज्यादा रहेगा तो आर लगेगा, और ये आपको बुक्स में पेंसिल से भरना है और कॉपी में उतार लेना है, सारा क्वेश्चन आंसर्स अपने फेयर कॉपी में उतार के लिख लेना है, और वो जो बताया योरसेल्फ के बारे में वो भी लिख लेना है आपको। तो ये थी आज की क्लास। और हाँ एक बात और, कुछ वर्ड्स हमने दिए हैं जो डिक्शनरी में उसको मीनिंग खोजना है और याद करना है स्पेलिंग के साथ, यू मस्ट लर्न द मीनिंग एंड द स्पेलिंग। तो चेक योर डिक्शनरी, लुक फॉर द वर्ड एंड लर्न इट। तो आज के लिए इतना काफी है, दैट इज ऑल फॉर टुडे, थैंक ऑल ऑफ यू, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, गुड बाय।